यही एक स्वतंत्र संस्था है, जो वो जांच करेंगे उनको अपनी कार्रवाई करने दी जाए और उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आजकल पुंछ अटैक के बाद जो सिचुएशन है उस पर भी कुछ नहीं, ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा पद्धति है, समय समय पर इस प्रकार की समन्वय बैठकें भी होती हैं, कोर ग्रुप बैठकें भी होती हैं, जिसमें पिछले अंतराल के बारे में क्या क्या प्रमुख घटनाएं उनको लेकर के राजनीतिक संदर्भ में किस प्रकार की रणनीति रहेगी आने वाले समय, उसके लेकर के चर्चा होती है। सामान्य तौर पर ये एक हमारी समीक्षा का एक पद्धति है, जो समय समय पर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन करके कुछ एक प्रमुख और सीनियर नेता आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई, जिस तरह से अटैक हुआ पुंछ में? तो सारे हालात पर चर्चा भी होती है, और किस प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से हमारा क्या रुख रहेगा उस पर भी विचार होता है, और किस प्रकार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में अभूतपूर्व विकास भी हुआ है, तरक्की भी हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से भी। जहाँ एक समय था कि हमें विदेश से लाए हुए हथियारों पर निर्भर करना पड़ता था, आज हमारी विदेश हथियारों की आयात के बजाय निर्यात लगभग 6 गुना बढ़ चुकी। तो इस प्रकार से जो आने वाले समय में हम गत 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता तक लेकर जाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आए तुलनात्मक दृष्टि से कि 2014 से पहले क्या था और अब क्या था। आपको स्मरण कीजिए, 2014 से पहले कितना निराशावाद का आलम था, सब समझते थे कि इस देश में कोई भविष्य नहीं है, केवल घोटालों का देश है। लेकिन पिछले 9 वर्षों में न केवल युवाओं में उत्साह जागा है, आशावाद जागा है, बल्कि देश विदेश में भी भारतीय मूल के लोगों को इज्जत मान के साथ देखा जा रहा है। रोजगार के लिए अन्य विकल्पों को मोदी जी ने लाया, स्टार्टअप के दुनिया में हम 3रे दर्जे पर आ गए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर चले गए, 81 से 40 पर आ गए। और अगर आप, जैसे मोदी जी ने आरंभ में ही कहा था कि मेरी सरकार समाज के उन वर्गों को समर्पित रहेगी जिनकी पहले शायद पर्याप्त चिंता नहीं की गई, तो आप देखिए आज देश में औसतन 11,000 मकान प्रतिदिन बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केवल 3.5 लाख किलोमीटर तक सड़कें निर्माणित हुई थी 2014 से पहले, उस गत नौ वर्षों में उतनी बढ़ करके 7 लाख किलोमीटर तक हो गई। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने समाज के उन वर्गों की चिंता की है जो पहले सरकारों की प्राथमिकता से छूट गई। वो क्षेत्र जम्मू कश्मीर के भी पहाड़ी क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, उधमपुर का क्षेत्र आज सड़कों का जाल बिछ गया, पिछले 3 वर्षों से वो PMGS में अव्वल दर्जे पर आ रहा है। तो ये सारी बातें मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचे और लोगों के समझ में आए कि क्या अंतर हुआ है। भारत का रुतबा, भारत का सम्मान यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा है तो इसलिए भी कि आज हमारे पास सरकार के मुखिया, देश के मुखिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सारी दुनिया इज्जत की निगाह से देख रही है। डॉक्टर, 300 करोड़ का जो ब्राइबरी का मामला है उसमें सत्यपाल मलिक को जो है वो CBI के समन है। मुझे लग रहा है कि CBI एक स्वतंत्र संस्था है, जो वो जांच करेंगे उनको अपनी कार्रवाई करने दी जाए और उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वीनू गोपाल ने ये कहा है कि जो एजेंसीज हैं वो लैप डॉग्स हैं भारतीय जनता पार्टी की। वीनू गोपाल ने ये ट्वीट कर कहा है, कि जो ये एजेंसीज हैं ये लैप डॉग्स हैं भारतीय जनता पार्टी की। वो उनकी मानसिकता में वो समय बैठा हुआ है कांग्रेस का। आप स्मरण कीजिए, ये UPA की सरकार के दौरान था कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI इज पैरेट इन केज, कि कांग्रेस ने CBI को बंदी बना के रखा था। 2014 के बाद स्थिति बदल गई है, मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उनको पूरी स्वायत्तता उपलब्ध है।